कट कॉपी पेस्ट, आप अपनी काउंटिंग लगातार रखिएगा। दो दो चार दो छः दो आठ दो दस हो गया, यहाँ गिनती में दस है। आप लोग अपना लिखते रहिए, मैं आपको साइड में दे देता हूँ स्क्रीन, टेंशन मत लीजिए। हाँ मैं हटा नहीं रहा हूँ भाई साहब। शॉर्टकट कमांड्स यूज्ड एवरीवेयर, ओके। कोई डाउट है? आपका ये डेमो लैब नोट्स, इसको बना, इसको लिखना चाहिए लैब नोट्स, लैब नोट्स फोर्थ लैब नोट्स फोर्थ बना के पेयर करना है और इसको पेयर करके याद करना है। किसी का बच जाता है तो आप यहाँ बैठ के रिसेस में उतार सकते हैं। कंट्रोल की को याद रखिएगा, कंट्रोल की के लिए CTRL या ये वाला साइन लिखते हैं। कोई डाउट है? अच्छा, कीबोर्ड के बारे में आज ही बताएं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि क्या आपको समझ में आता है कि नहीं। मान लीजिए कीबोर्ड देख रहे हैं आप, यहाँ इस वाले बटन में आप देखेंगे कि दो दो आइटम हैं। तो अगर मुझे मैं अगर दबाऊँ तो क्या लिख रहा है देखो तो, यानी कि जो नीचे वाले हैं वो आराम से लिख रहा है। अब अगर ऊपर वाला प्रिंट करना है तो कैसे लिखे? ये क्लियर है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से अगर मेरा अभी स्मॉल लिखा रहा है या कैपिटल लिखा रहा है? अगर कैपिटल लिखाना है तो बिल्कुल नहीं। आप अगर अपने लैपटॉप में या पीसी में बार बार, जैसे आप अपने घर में किसी स्विच को बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कीजिए तो माँ या पापा जी बोलते हैं कि नहीं, क्या बार बार कर रहा है, स्विच खराब हो जाएगा? या नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। तो आप बार बार अगर कैप्स लॉक ऑन और ऑफ करेंगे, जैसे मान लीजिए मुझे आपको अपना नाम लिखना है तो नियम यही है कि नाम का पहला कैरेक्टर बड़ा होता है बाकी छोटा होता है। यानी कि आप तीन बार ऑन करेंगे, तीन बार ऑफ करेंगे, अगर आपका नाम